हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग मेरी बेबी को इतने सारी विशेस दे रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं बहुत मतलब दिल खुश हो जाता है कि हाँ मेरी बेबी को इतनी सारी विशेस मिल रही हैं। तो बस इतना ही है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और दिल से लाइफ टाइम जुड़े रहना मेरे साथ। और मैं आपको बताऊं, मेरे जो फैमिली जो मेंबर हैं मायके से और क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि जो मम्मी और पापा जी थे तो घर पे भी रहना किसी का ज़रूरी है, ऐसे में सब लोग नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए बड़े भैया और भाभी और उनकी बेटी तो आई थी, सिस्टर भी आई हैं जैसे कि आप लोगों को पता है, और एक मेरे छोटे भाई हैं तो वो भी नहीं आ पाए। उनकी मतलब शिकायत थी कि मुझे याद नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उन्हें याद नहीं किया, याद किया है। यहाँ सब लोग उनको मिस भी कर रहे थे कि हाँ वो नहीं आए। सबसे ज़्यादा उनको मिस किया तो वो डांस के उसमें किया, जब सब लोग डांस कर रहे थे तो उनको मेरे जो भाई हैं मतलब वो मेरे से बड़े भाई हैं, छोटे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बड़े भाई आपने देख लिए हैं, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। जब हम खाना खाने जा रहे थे तब तो मिस नहीं किया, लेकिन डांस के मामले में उन्हें मिस किया है और हमेशा करते हैं यहाँ सब लोग उनको मिस। और वो पिथौरागढ़ में हैं इसलिए उनकी ऑफिस से उनको आने का मतलब ऑर्डर नहीं दिया गया कि छुट्टी तो है उनकी, बट उनको वहाँ बोला गया कि आप लोग घर नहीं जाओगे, इसलिए वो नहीं आ पाए। उनका भी काफ़ी मन था आने का, अगर वो यहाँ होते तो वो हम लोगों के बीच पक्का आते और मैं आप लोगों से उनको मिलवा पाती। लेकिन अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं उनसे आप लोगों के लिए क्लिप मंगवाऊंगी, जिससे कि आप लोग मेरे जो बड़े भाई हैं मतलब बड़े से छोटे हैं उनको भी देख पाओगे, ठीक है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही मेरी वीडियो का एंजॉय लेते रहना और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। मेरा भी बहुत मन था मैं अपनी बेटी के उसमें डांस करूं, तो ज़्यादा कूद तो नहीं सकती थी लेकिन खड़े खड़े एक जगह पे ही हाथ तो मतलब हिला ही सकती थी, इसलिए मैंने डांस किया और मेरा मन भी खुश हुआ क्योंकि यार बार बार नहीं आता ये दिन, बहुत मुश्किल से मिलता है ये दिन, लक्की होते हैं उनको ही मिलता है ये दिन, और देखिए आप लोग भी जानते हो। और मैं बहुत खुश हुई थी, मैंने चाहे खड़े खड़े ही डांस किया लेकिन मेरी जो खुशी है वो दुगनी हो गई थी। और सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हस्बैंड भी, उनको डांस करना नहीं आता था लेकिन वो फिर भी एफर्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं खुशी में। मैंने कोशिश तो की थी मैं आप लोगों के लिए फुल मतलब सॉन्ग पे डांस लेके आऊं, उसकी वीडियो लेकर आऊं, लेकिन क्या करूं मेरी मजबूरी है, मैं भी नहीं ला सकती उसी वजह से, कॉपीराइट क्लेम की वजह से ही। तो मुझे आप लोगों को जो अपनी वीडियो है मुझे ऐसे शेयर करनी पड़ रही है, उसके लिए सॉरी। और मैं आप तो इसके पहले वाले उससे समझ गए होंगे मैं यहाँ कौन से गाने पर डांस कर रही हूँ, और मैं इसकी वॉल्यूम नहीं कर सकती यार, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अगर किसी के पास इसका सॉल्यूशन है कि किस तरह से नहीं आता है कॉपीराइट क्लेम, तो प्लीज़ मुझे बताना आप लोग कमेंट करके ज़रूर, वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बात से मैं भी परेशान हूँ। और यहाँ मेरे पति देव जी ने इतने पैसे उड़ाए हैं ना, कुछ पूछो मत, ये मेरे को गिराने के चक्कर में लगे हुए थे, पूरे बच्चे ऐसे भीड़ के पूरे पैसे चाहने के लिए, मैं ही गिरने वाली थी, सब लोग मुझे पकड़ने में ही लगा हुआ है।
आई होप फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, आपने उसका एंजॉय लिया हो और आपने जितना भी बीच में वीडियो देखी है एंजॉय लेते रहना। और इधर ये लोग जीजा जी और साली जी गप्पे लगा रहे हैं। वैसे पहले पढ़ाई कर रहे थे लेकिन अभी पढ़ाई साली साहिबा जिया जी को समझा रही है। कभी जिया जी साली साहिबा को समझाने लग जाते हैं। और देखिए कोरोना चल रहा है तो अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले जितना हो सके, मतलब आवश्यक के मतलब काम के अनुसार ही बाहर निकले और अननेसेसरी ना निकले घर से बाहर। और जो भी गवर्नमेंट कर रही है अच्छी, मतलब अच्छी बात है, मेरे हस्बैंड बताएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, अपना ज्ञान खुद रखो। क्योंकि हर आदमी, कोई भी आदमी अपने बारे में सबसे अच्छा सोच सकता है, उससे अच्छा कोई उसके बारे में नहीं सोच सकता है। अगर मैं जो कर रही है अच्छा काम तो उसका सपोर्ट कीजिए सब लोग, क्योंकि अच्छी आदतें हमारी कुछ लोग की चली भी गई है, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना। सिसरो ने कहा है कि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता। हाँ, तब इनकी भी सुन लीजिए। तो अच्छी आदतें मत जाने दीजिए, अच्छी आदत अपने पास रखिए, ठीक है। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा सही फील कर रही हूँ, ज़्यादा बेटर नहीं कर रही हूँ। मैं बैठती हूँ तो आप लोगों से बातें करने के लिए थोड़ा बैठ जाती हूँ, वरना मैं लेट ही रहती हूँ। जैसे मेरी सिचुएशन है आपको पता है, अभी भी सब कुछ तो आपको पता ही है, तो कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं द्वारा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।